अंकल ने हमें अभी पूरी जानकारी दी। आपका नाम? मेरा नाम नपटाल। कुछ लोग अभी भी हमारा तो स्विमिंग पूल दिखाइए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, मैं आज जा रहा हूँ हर्बल पार्क और मिलते हैं वहीं पर। ये पार्किंग का मेन गेट है, अंदर काफी बड़ी जगह है पार्किंग की। ये इधर मेन गेट है और थोड़ा सा लेफ्ट साइड में चलते हैं तो टिकट घर दिख जाता है। यहाँ पर टिकट दिए जाते हैं और बोर्ड भी लगा पड़ा है जिसमें पार्क में प्रवेश के नियम भी दिए गए हैं। चलते हैं अब थोड़ा अंदर। तो पहले ही यहाँ पर एक पार्क खुलने एवं बंद होने का समय का बोर्ड लगा पड़ा है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। हेलो गाइस, जैसा कि मैंने बोला था हर्बल पार्क जा रहा हूँ और हर्बल पार्क में मैं आ गया हूँ ये मुरादाबाद में। ये मेन गेट है जिससे कि अभी अभी मेरी एंट्री हुई है। इधर से सारी एंट्री होती है, ये वाला फिलहाल बंद रखा है। इधर से एग्जिट करते हैं लेकिन यहाँ पर बंद कर रखा है। तो चलता हूँ आगे की तरफ और दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये काफ़ी अच्छा हर्बल पार्क है, यहाँ पर काफ़ी सारी पब्लिक आती है। पार्किंग व्यवस्था भी अलग तरीके से करवाई गई है और 20 रुपये की यहाँ पर पार्किंग होती है। 10 रुपये का टिकट दिया जाता है यहाँ पर अंदर आने के लिए और 20 रुपये का यहाँ पर पार्किंग टिकट दिया जाता है मुरादाबाद के अंदर MDM है हर्बल पार्क नए मुरादाबाद में। तो अब मैं दिखाऊंगा बैक कैमरे से। यहाँ पर शुरू में ही एक कैंटीन दिखाई दे जाती है हमें और कैंटीन के अंदर काफ़ी सारा सामान दिखाई देता है। लोग काफ़ी टहलते रहते हैं यहाँ पर मनोरंजन के लिए, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौसम भी है आज, तो धूप का मौसम नहीं है। ये कैंटीन है, इसमें गाने वाने बज रहे हैं। यहाँ पर मोमोज, चाउमीन, बर्गर वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं। और इधर जो एरिया है ये काफ़ी शांत तरीके का एरिया है, यहाँ पर पब्लिक ज़्यादा नहीं है। अब मैं चलता हूँ और आगे की तरफ। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें और कुछ बंदे यहाँ पर फोटोग्राफी कर रहे हैं। और यहाँ पर लाइटिंग वाइटिंग की काफ़ी अच्छी व्यवस्था करवाई गई है। ये रात को जलती है, फिलहाल मैं तो डे में आया हूँ तो ऑफ है। जब रात में आता तो ये लाइटें जलती हुई मिलती है। रात में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और इधर बच्चों के खेलने का सामान है, ये देखिए बुल जिसको कहते हैं बैल, इस पर बच्चे खेलते हैं और ये घूमता है। आंटी इसको घुमाती हैं, आंटी इधर बैठी हैं। ये देखिए बुल जिसको आंटी घुमाती हैं, यहाँ पर बच्चे बैठते हैं, काफ़ी मज़ा लेते हैं। यहाँ पर कितने रुपये का टिकट लगता है, कितने का नहीं लगता है, तो आंटी टिकट देती हैं 30 रुपये। आंटी ने बताया यहाँ पर 30 रुपये। आंटी आपका नाम? मेरा नाम नपटाल, आपका नाम? राजीव राठौर। तो ये आंटी अपना नाम नहीं बता रही हैं लेकिन अपने हस्बैंड का नाम बता रही हैं। अच्छा, ये आ गई हैं राजीव राठौर, वो आपके हस्बैंड है ना? हाँ, तो आंटी के हस्बैंड चलाते हैं इसको और आंटी फिलहाल बैठी हैं, वो कहीं पर गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर पब्लिक आ गई है तो मुझे हटना पड़ रहा है क्योंकि आंटी को दिक्कत हो जाएगी कुछ। तो यहाँ पर ये बुल है, यहाँ बच्चे बैठते हैं और ये काफ़ी अच्छा चलता है बुल। अभी जैसा कि मैंने बुल दिखाया था तो यहाँ पर बुल घूम रहा है और वहीं पर एक बंदा बैठने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अभी बैठे थे, फिलहाल मेरा कैमरा चलने से पहले गिर गए थे। अब ये दोबारा से बैठ गए हैं और फिर घूमना शुरू हो गया। ये देखिए अब मैं दिखाता हूँ बच्चों का स्विमिंग पूल। बच्चे यहाँ पर स्विमिंग पूल भी यूज़ करते हैं, काफ़ी बच्चे आते हैं स्विमिंग पूल में। ये देखिए ये स्विमिंग पूल है बच्चों का, छोटा सा स्विमिंग पूल है, ज़्यादा गहराई नहीं रखी गई, कम गहराई की है। यहाँ पर छोटी छोटी बोटें भी रखी गई हैं जिससे बच्चे आनंद ले सकें। ये काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है, यहाँ पर ज़्यादा गहराई नहीं की गई है क्योंकि कोई अकेले में बच्चा गिर जाता है तो पानी भी ज़्यादा पी सकता है, लेकिन यहाँ पर गिरेगा तो वो खड़ा हो जाएगा, इतनी गहराई यहाँ पर रखी गई है। काफ़ी अच्छा बनाया गया है बच्चों की सेफ्टी के लिए। यहाँ पर मिक्की माउस वगैरह जो ऊपर से कूदते हैं बच्चे, जम वो भी है। यहाँ पर दो बोट ख़राब हो चुकी हैं तो इनको बाहर कर दिया गया है। ये है देखिए बच्चों का मिक्की माउस, यहाँ पर बच्चे आते हैं और ऊपर चढ़ते हैं बच्चे, ऊपर से फिर नीचे की तरफ जंपिंग करते हैं, काफ़ी अच्छा है ये। और शायद ये जो भैया कुर्सी पर बैठे हैं ये यहाँ पर टिकट देते हैं। तो अब मैं मिक्की माउस पर ही खड़ा हूँ और यहाँ पर दो बंदे बैठे हैं। तो भैया क्या हाल है आपके? बढ़िया जी। तो ये बढ़िया बता रहे हैं, टिकट कितने का मिलता है? 40 रुपये का टिकट मिलता है एक बच्चे का। इसमें कोई टाइम लिमिट या वैसे ही कितनी अनलिमिटेड? यहाँ पर 40 रुपये का एक टिकट मिलता है, बच्चा आधे घंटे तक यहाँ पर जंपिंग कर सकता है, आधे घंटे बाद बच्चे को उतार दिया जाता है। ये सही है बच्चों की सेफ्टी के लिए सही है क्योंकि ज़्यादा अगर जंपिंग करवाएंगे तो बच्चे को पलटी भी आ सकती है। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है यहाँ पर। और ये भैया हैं, क्या नाम है भैया? अंकित भैया। ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलते हैं गाइस अब अगली तरफ और देखते हैं आगे थोड़ा सा क्या देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे एक अंकल भी खड़े हैं। फिलहाल ये जो मिक्की माउस जो दिखाया मैंने, ये अंकल ही हैं, इसके ओनर ही शायद अंकल के लड़के थे। अंकित, अंकल बढ़िया है? बहुत बढ़िया।
और क्या नाम है अंकल आपका? नाम कमल सिंह है। ये कमल सिंह नाम है अंकल का। अंकल ने हमें अभी पूरी जानकारी दी, अंकल बोले ठीक है, यहाँ पर बच्चों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है और होना भी चाहिए। तो गाइस जब भी आप कोई बच्चों को लेकर आएँ अपने, तो यहाँ पर मिक्की माउस में ज़रूर घुमाएँ, और साथ ही साथ वो पीछे स्विमिंग पूल जो है वो भी इन्हीं अंकल का है। और अंकल कुछ बच्चों को तो मतलब दो तीन बच्चे ज़्यादा होते हैं तो उनको एक बच्चे को फ्री में भी खिला देते हैं। तो चलते हैं गाइस अब आगे की ओर। तो अंकल से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, तो अंकल हाथ मिलाइए, चलते हैं अब आगे। और अंकल कुछ कहना चाहेंगे आप? अंकल कहते हैं एक उधर की साइड में आगे भी स्विमिंग पूल लगा हुआ है, उसमें शायद थोड़े बड़े बच्चे भी यूज कर सकते हैं, छोटे बड़े दोनों एंजॉय कर सकते हैं। तो चलते हैं अब आगे। ये देखिए ये यहाँ पर ट्रेन भी चलवाया करते हैं, बच्चे यहाँ पर ट्रेन के काफ़ी मज़े लेते हैं, और जैसा कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पर बच्चे मज़े ले रहे हैं। और ट्रेन का भी टिकट शायद 40 रुपये का ही होगा, और इसमें भी लिमिट रखी गई है आधा घंटा। और यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो बाइकें वगैरह हैं, बाइकें फ़िलहाल तो इस टाइम कोई नहीं है बाइक के पास, और बन भी पड़ा है, काफ़ी ही धासु टाइप की बनाई हुई है बाइकें, निंजा विंजा की तरह बनाई हुई हैं। तो यहाँ पर कोई नहीं है, तो हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और फिर उससे आगे जब चलते हैं तो यहाँ पर एक झूला है, और यहाँ पर बंदे काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। ये भी 50 रुपये का टिकट है, और लगभग 15 मिनट के लिए ये इसको चलाते हैं, और यहाँ पर भी 50 रुपये का टिकट है। सिक्योरिटी का भी सिस्टम, ऊपर एक कैमरा वैमरा सारा कुछ लगा हुआ है, ताकि कोई यहाँ पर गंदी हरकत नहीं कर पाए। ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सभी सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है, और यहाँ पर ये बंदे काफ़ी मज़े ले रहे हैं। ये देखिए जैसे झूले की क्रॉसिंग करते हैं तो यहाँ पर एक स्विमिंग पूल आ जाता है, इसमें बच्चे भी घूमते हैं और बड़े भी घूमते हैं। ये तीन भाई भी यहीं से नहा कर आ रहे हैं शायद। अब थोड़ा सा और ऊपर चलता हूँ तो देखता हूँ स्विमिंग पूल किस टाइप का है, और कितने बंदे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक भैया यहाँ पर बैठे हैं, शायद ओनर यही हैं, तो मैं ऊपर चलता हूँ, भैया शायद बात कर रहे हैं, बाद में बात की जाएगी इनसे। तो स्विमिंग पूल जो है इसकी भी गहराई ज़्यादा नहीं रखी गई है, इसी वजह से नहीं रखी गई है। आगे की साइड में देखते हैं तो उधर काफ़ी ज़्यादा गहराई है, लेकिन यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, ये नहा रहा है। ये देखिए ये भी कूद गया, एक सामने खड़ा है और वो भी कूद गया, और एक भाई इधर कोने में छुपकर खड़ा है, शायद इसे शर्म लग रही है। तो इस जगह पर झूला झूलते हैं, काफ़ी सारे बच्चे झूला झूलते हैं, यहाँ पर अभी फ़िलहाल झूला झूल रहे हैं ये देखिए, और कुछ लोग अभी भी खड़े हैं वेट कर रहे हैं झूला झूलने के लिए, क्योंकि दो ही झूले हैं और वो दोनों इस टाइम फुल हुए पड़े हैं। झूले के पास में एक और बच्चों के खेलने का है, यहाँ पर बच्चे ऊपर चढ़ते हैं, उधर से रपक कर घूम कर आते हैं, यहाँ पर बच्चे घूमते हैं। मैं और थोड़ा सा आगे चलता हूँ तो यहाँ पर कुछ बंदे खड़े हैं, ये शायद फ़ोटो खिंचवाने के लिए खड़े होंगे, लेकिन मैं अब चलता हूँ जो मेरे पीछे दिख रहा है। इधर बड़े बंदे झूला खा रहे हैं और काफी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, और छोटा वाला बच्चा झूला झूला रहा है। ये टूटा है, यहाँ पर इसकी मरम्मत होनी चाहिए, और ये दोनों भाई यहाँ पर झूल रहे हैं, काफी मस्ती कर रहे हैं। और अब मैं आगे चलता हूँ तो आगे भी इसी टाइप का एक और झूला बना हुआ है। इधर खाने वाले सेक्टर की तरफ मुझे म्यूज़िक मतलब आवाज़ ऑफ करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर म्यूज़िक काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, जिससे कॉपीराइट भी आ सकता है। यहाँ पर ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर पब्लिक, यहाँ पर म्यूज़िक ज़्यादा है तो बहुत ही हो रहा है, और इधर काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पर ये जो है हर्बल कैंटीन शुद्ध शाकाहारी है, सारी चीज़ें शाकाहारी मिलती हैं यहाँ पर। और ये भैया हैं यहाँ पर, ये काम करते हैं, और एक अंदर हैं भैया, वो सामान बना रहे हैं फिलहाल। इधर पब्लिक खाती है काफ़ी, लेकिन यहाँ पर संगीत की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाएगी, क्योंकि मुझे कॉपीराइट भी आ सकता है, तो म्यूज़िक बंद करना पड़ सकता है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी सुविधाएँ बैठने की, और यहाँ पर भटूरा भी बनाया जा रहा है, ये देखिए काफ़ी बड़ा भटूरा है। भैया कितने का है भटूरा? 50 रुपीज़ प्लेट। 50 रुपीज़ प्लेट हाफ,
तो ये काफी अच्छा है, काफी साफ तरीके से यहाँ पर बना रहे हैं, कहीं भी गंदगी का कुछ भी दिखाई नहीं दे सकती गंदगी। यहाँ पर साफ सफाई का काफी अच्छा ध्यान रखते हैं ये भैया बना रहे हैं। पूड़ी बर्गर का सारा सामान रखा है और यहाँ पर रोल वोल सारी चीजें रखी हैं, और इधर कबाब टाइप के हैं लेकिन वो भी शाकाहारी है, यहाँ पर शाकाहारी सब सामान मिलता है। और ये सारी चीजें बर्गर बर्गर, और इधर भी एक भैया खड़े हैं वो बर्गर बना रहे हैं, ये बर्गर बनाते हैं। तो एक कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक वगैरह भी इधर ही है, और इधर पार्टी वार्टी चलती रहती है, हर टाइम पार्टी चलती रहती है, काफ़ी सारे बंदे आते हैं। तो गाइस जब भी आए यहाँ पर तो बाहर से नाम देखते हैं तो मदीना कैंटीन है, इसी कैंटीन के अंदर आए, काफ़ी सारी सुविधाएं हैं और साफ सफाई काफ़ी अच्छी रखते हैं यहाँ पर। तो यहीं पर आना चाहिए सभी बंदों को जितने भी आते हैं बाहर। बच्चों के लिए इसको बोलते हैं काटा, और कुछ लोग बोलते हैं गुड़िया काटा, ये भी मिलता है, काफ़ी अच्छी सुविधा है यहाँ पर। यह इसमें बंदे लटकते हैं लेकिन यहाँ पर फिलहाल कोई नहीं है, क्यों नहीं है वजह उसकी यह है कि नीचे पानी है इसलिए कोई नहीं है। इधर बंदे बैठते हैं, प्रेमी जोड़े काफ़ी बैठते हैं इधर आगे, क्योंकि बैठने का ये सही सिस्टम है, अपने आराम से यहाँ पर ठंड में बैठे रहते हैं। एक ऐसा ही इधर भी है, इधर भी बैठे रहते हैं सारे बंदे। तो गाइज आज का ब्लॉग होता है यहीं पर ख़त्म, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।